हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं राइट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। मार्केट में बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, तो इस न्यूज़ के चलते हुए मार्केट में कल आपको इस शेयर के अंदर किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, सो हम बात करने वाले हैं उन सब चीज़ों के बारे में। सो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो जो न्यूज़ है वो ये कि राइट्स कॉन्सोर्टियम सिक्योर जनरल कंसल्टेंसी वर्क ऑफ ₹61 करोड़ फ्रॉम द हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो इस न्यूज़ को जानने से पहले हम ये देख लेंगे कि राइट्स लिमिटेड कंपनी है वो कंपनी काम करती क्या है। सो राइट्स एक ऐसी कंपनी जो कि इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी काम होता है वो मेन जो काम होता है वो रेलवे सेक्टर में मेन काम ये कंपनी करती है। उसी के थ्रू कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी होती है। सो जो काम है वो है हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रिलेटेड काम है। सो उसको काम को अंजाम देने के लिए बहुत सारे काम है कंपनी के लिए। सो उसके अंदर से जो कंसल्टेंसी का जो काम दिया है वो है राइट्स को, और उसकी जो बिड वर्थ थी वो थी 61 करोड़ रुपीज़। तो वो राइट्स लिमिटेड कंपनी को मिल चुका है। सो अगर हम अभी भी इस शेयर को कंपेयर कर लेते हैं उसके सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से, जो कि है 44.97 और शेयर का PE रेशियो कितना है 10.96। सो इंपॉर्टेंट तो ये होगा कि अगर समझ लो ये आपको शेयर सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से अच्छा अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है तो मेरे हिसाब से तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऑल्दो जो मार्केट में जिस तरह की अभी जो न्यूज़ है उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आप इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेड भी लेना चाहते हो ले सकते हो, और शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से इसमें एक अच्छा सा ग्रोथ 5-10% आपको जरूर देखने को मिल सकता है। सेक्टर का जो PB है वो है 4.47 और शेयर का PB रेशियो सेक्टर के मुकाबले आधा है, दैट इज 2.48। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये लगी कि इसकी जो सेक्टर डिविडेंड यील्ड है वो है सिर्फ 0.91% और इस शेयर का डिविडेंड यील्ड है 5.92%, जो कि आपको बताता है कि अगर आप अभी भी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा ग्रोथ ईयर बेसिस पे आपको ये शेयर जरूर देता रहेगा। ऑल्दो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो मार्केट कैप है वो है 6494 करोड़ रुपीज़ का और स्टॉक रैंकिंग है इसकी 351। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालते हैं तो हर साल कंपनी का जो बिजनेस दैट इज टॉप लाइन एज वेल एज द बॉटम लाइन उसके अंदर आपको हर साल ग्रोथ देखने को मिली है, कोई भी साल आपको डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। इवन इन द 2020 कंपनी का जो बिजनेस था उसके अंदर थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट जरूर था क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी, बट फिर भी कंपनी के जो रेवेन्यूज है उसमें आपको एक अच्छा सा अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है कंपेयर टू द 2019 ईयर। 2019 में जब कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 2240 करोड़ रुपीज़, जो कि 2020 में और बढ़कर हो चुका था 2740 करोड़ रुपीज़। और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो वो था 2019 में 460 करोड़ रुपीज़ और 2020 में 610 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से कंपनी के अंदर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये शेयर आपके लिए बहुत ही अच्छे खासे वैल्यूएशन पे आपको अभी भी मिल रहा है, आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म। और हम इस शेयर का 5 ईयर हाई भी देखते हैं तो वो है 331 रुपीज़ और इस शेयर का जो लो है वो है 152 रुपीज़। ऑल्दो अगर हम अभी भी इस शेयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि इसका जो करंट मार्केट प्राइस आज इसने जो क्लोजिंग दी है उसके हिसाब से 266.6 है, सो अभी भी आपको ये शेयर लगभग 60 रुपीज़ के आसपास डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको देखने को मिल रहा है। ऑल्दो आप चाहो तो कल भी इसको करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बाय कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर ये शेयर 255 के आसपास आए तो आप इस शेयर के अंदर और ज़्यादा बाइंग भी कर सकते हो, क्योंकि कंपनी के अंदर मुझे कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा क्योंकि कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी 71% के आसपास है। सो इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन होगा फाइनली वो तो पूरा आपके ऊपर होगा कि आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। सो होप करता हूँ कि आपको राइट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में जो भी मार्केट में जो भी न्यूज़ चल रही है वो आपको अच्छे समझ गई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड या फिर इस कंटेंट रिलेटेड कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी भी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।